हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक लव्य एकेडमी परिवार में। यहाँ पर हम लोग हिंदी शुरू कर रहे हैं और हिंदी जो यहाँ पर है वो आपके ऑल ओवर जितने भी एग्ज़ाम में आती है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो आपका सीटेट हो, यूपी टेट हो, या यूपी कांस्टेबल हो, आपका समीक्षा अधिकारी हो, या फिर आप कोई भी जिस भी एग्ज़ाम के अंदर हिंदी आती है, यहाँ पर उन सारे एग्जाम को देखते हुए हर चीज को यहाँ पर शुरू से लेके आखिरी तक लिया गया है। सभी चीजें देखो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो कोशिश कीजिएगा जितना हो सके चीजों को अच्छे से देखकर समझकर उन चीजों का आंसर निकालने की कोशिश कीजिएगा, और जो आपसे पूछा जाए उसका जवाब दीजिएगा, और जहाँ तक हो चीजों को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितना ज्यादा लोगों को जोड़ सकते हैं वो अपने साथ जोड़िएगा, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है उसका नाम है वर्णमाला। वर्णमाला शुरू करने से पहले एक चीज है कि जो हमारी हिंदी भाषा है वो हम हिंदी भाषा को देखो कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग सुनते हैं, जो लोग पढ़ नहीं सकते वो कहीं ना कहीं से चीज़ों को सुनकर आत्मसात करते हैं, समझते हैं। इसके अलावा कहीं पर ऐसा भी होता है कि भाषा को देखो हम ना तो बोलकर कह सकते हैं ना लिखकर कह सकते हैं, तो उसे हम कैसे कहते हैं, संकेतों के माध्यम से कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कभी भी पूछ लिया जाए कि भाषा को अपने माध्यम से दूसरे माध्यम तक पहुंचाने के लिए कितनी चीजों का यूज कर सकते हैं, तो तीन तरह से माध्यम के द्वारा, या तीन माध्यम के द्वारा अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है। पहला होता है अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए बोलकर बताना, ठीक है। कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, हम नहीं बता सकते उसे पढ़ भाई कि रिटन में ये चीजें लिखी हैं, तो उसको क्या कहेंगे कि बोलकर बताया जाएगा, ठीक है। आज से पहले कुछ टाइम पहले लोग सभी पढ़े लिखे नहीं होते थे, आज के टाइम पे तो हर लोग शिक्षित हैं, सभी अपने बच्चों को, अपने आने वाली जनरेशन को अच्छे से अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। लेकिन कुछ टाइम पहले के जो लोग हैं वो पढ़े हुए नहीं थे, तो वो अपनी बातों को कैसे पहुंचाते थे एक दूसरे के साथ में, तो क्या करते थे, बोलकर, ठीक है। फिर कुछ जगह ऐसी होती है वहां पर आप कितना भी बोल लो कोई फर्क नहीं पड़ता, चीजें रिटन में मांगी जाती है। कोई भी सरकारी दस्तावेज होता है वहां पर चीजें लिख कर दी जाती हैं, किसी की जॉइनिंग होनी है, किसी को पद से हटाया जा रहा है, किसी काम को करवाने के लिए आवेदन पत्र मांगा जा रहा है, तो वो भाषा को कहने का कौन सा तरीका होता है, दूसरा तरीका या दूसरा माध्यम जिसे लिखित रूप कहते हैं। और इसके अलावा भाषा को तीसरे माध्यम से कैसे पहुंचाया जा सकता है भाई, अब मान लीजिए एग्जामिनेशन हॉल है, वहां पे बच्चे बैठे हैं, अब एग्जामिनेशन हॉल में बात करने की परमिशन तो नहीं होती, तो वहां पर बच्चा अपनी बात को कैसे कहेगा, संकेतों के माध्यम से। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कभी आपने भी किया होगा और पूछा होगा कि क्वेश्चन नंबर एक का आंसर क्या है, तो दूर बैठी हुई सहेली या दोस्त जो भी होगा वो क्या कहेगा कि पहले का चौथा या दूसरे का पहला, ऐसे आंसर करते हो ना। तो ऐसे ही सड़क पर खड़ा जो सिपाही है वो अपनी बात को कैसे पहुंचाएगा जनता के माध्यम तक, जनता तक, तो कैसे, संकेतों से। आगे का ट्रैफिक पीछे जाइए, बाएं का दाएं जाइए, दाएं का बाएं जाइए, इस तरह से, ठीक है। तो भाषा को तीन माध्यम के द्वारा दूसरे तक पहुंचाया जाता है, तो इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भाषा के तीन रूप होते हैं। भाषा के रूप, पहला होता है मौखिक, दूसरा होता है लिखित, और तीसरा होता है सांकेतिक, लिखित। बाकी चीजें इसके बारे में देखो हम बाद में पढ़ेंगे जब लिटरेचर हमारा स्टार्ट हो रहा होगा, बस यहाँ पर चीजें चल रही हैं कि अब जो हम भाषा का रूप है वो कौन सा पढ़ते हैं। ये जो हमारी वर्णमाला आती है किसके अंदर आती है, तो ये आती है हमारी भाषा के लिखित रूप के अंदर, जिसमें हम सारी चीजें जो हमारी लेखबद्ध की गई हैं चीजों को अच्छे से बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी सबसे पहली चीज है वो ये कि जो भाषा है, अब भाषा को हमने कह दिया भाई लिखित रूप है, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे छोटे छोटे मोतियों को जोड़कर एक पूरी माला बनाई जाती है, उसी तरह से एक एक वर्ण को जोड़कर पूरी की पूरी वर्णमाला बनाई गई है। तो अगर पूछा जाए कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों का व्यवस्थित समूह या रूप वर्णमाला कहलाता है। कैसा समूह, व्यवस्थित समूह, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी चीजें रखी गई हैं वो एकदम व्यवस्थित रूप में है।
कि ए के बाद आ आएगा, आ के बाद बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रीरी, इस तरह से, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है कि अगर पूछ लिया जाए कि वर्णमाला का शाब्दिक अर्थ क्या है, जैसे पूछा जाता है संक्षिप्त रूप है, विस्तार से वर्णन है, तो क्या है, तो इसका अर्थ होता है अखंडित रूप, ठीक है। जब पूछा जाए शाब्दिक अर्थ क्या है तो अखंडित रूप, लेकिन जब परिभाषा पूछी जाए तो वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। व्यवस्थित समूह वर्णमाला, और शाब्दिक अर्थ होता है इसका अखंडित, क्योंकि अब इन्हें खंडित नहीं किया जा सकता, ये पहले ही अपने रूप में इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए हैं कि उससे छोटी इनकी कोई इकाई हो ही नहीं सकती, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है कि वर्णमाला के अंग कौन कौन से होते हैं। देखो हम वर्णमाला पूरी पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन वर्णमाला में जो वर्णों को बनने का व्यवस्थित समूह है वो कैसे निर्मित हुआ, किस तरह से भाषा की इकाइयों के जुड़ने टूटने से ये वर्णमाला पूरे विस्तार में आई है, ऐसा कौन सा रूप है कि जैसे छोटा बड़ा किस तरह से उसे माध्यम से तरीके से प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, नेक्स्ट हम इसमें पढ़ रहे हैं कि इस भाषा के अंग या फिर इकाई, अभी हमने भाषा के रूप पढ़े थे, अब हम पढ़ रहे हैं भाषा के अंग जो वर्णमाला से ही संबंधित है। अगर हमने कहा कि हमारा एक सेंटेंस है कि राम ने रावण को, राम ने रावण को तीर से मारा, राम ने रावण को तीर से मारा, हमने ऐसा कह दिया, तो अब हमसे पूछा जाए कि इसमें हमारी हिंदी भाषा का कौन सा रूप या कौन सी इकाई या कौन सा अंग दिखाई दे रहा है। तो देखिए हमारी हिंदी भाषा के अंग या इकाई होती है, सबसे पहला होता है वाक्य, उससे छोटा होता है उपवाक्य, पदबंध, पद, शब्द और वर्ण, इस तरह से क्रम से चीजें देखो बड़े से छोटे की तरफ को चल रहे हैं, यानी कि चीजें हमारी कठिन से सरल की तरफ को जा रही हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी चीजों को बड़े स्तर से कैसे 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 खंडित किया गया। हमने कहा वर्ण का शाब्दिक अर्थ होता है अखंडित, यानी कि अब उसे तोड़ा नहीं जा सकता, वो पहले ही अखंडित है, ना टूटने वाली चीज, तो वो अखंडित कैसे हुई, क्योंकि बड़े से छोटा रूप उसका दिखाया गया कि किस तरह से वो चीज निर्मित हुई है। अब आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है, राम ने रावण को तीर से मारा, तो यहाँ पर पूरा का पूरा सेंटेंस है, बात खत्म हो गई है, हमें समझ में आ गया कि राम ने रावण को तीर से मारा, बात अपने आप में क्लियर है। तो जहां पर इस तरह से बात स्पष्ट तरीके से कही जाती है वो भाषा की सबसे बड़ी इकाई होती है वाक्य। अब नेक्स्ट हम कह दें कि राम ने रावण को, या फिर हमने इसमें से मिटा दिया राम ने रावण को तीर से मारकर, ठीक है, मारकर, आगे कुछ नहीं लिखा। अब राम ने रावण को तीर से मारकर गिरा दिया, वो गिर गया, मर गया, बच गया, वापस चला गया, कुछ नहीं पता। तो वाक्य में जहां पर उसका आंशिक रूप ही पता चले वो भाषा की दूसरी इकाई होती है जिसे कहते हैं उपवाक्य, जहां पर भाषा का या वाक्य का आंशिक रूप व्यक्त होता है, बात कहीं ना कहीं पूरे होते हुए भी इनकम्प्लीट होती है, पूरा खत्म होने का वर्णन नहीं होता, वहां पर भाषा की दूसरी इकाई उपवाक्य का नाम आ जाता है। तीसरा है पदबंध, पदबंध में होता है कि यहाँ पर जैसे हमने देखा राम ने रावण को तीर से मारकर, ये अभी उपवाक्य था, अब इसमें से मारकर मिटा देते हैं कि राम ने रावण को तीर, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ शब्द ले रखे हैं जो कारक चिन्ह के द्वारा आपस में जोड़ दिए गए, तो जहां पर कई पदों को जोड़ दिया जाता है वो कहलाता है पद बंध, तो इसे हम लिख देंगे जहां पर कई पदों को जोड़ दिया जाता है, कई पदों का जोड़ कहलाता है पद बंध, ठीक है। यहाँ पर भाषा की पूर्ण व सार्थक इकाई, पूर्ण व सार्थक इकाई क्या कहलाती है, वाक्य। उपवाक्य में जहां पर
वाक्य का आंशिक, जहां पर वाक्य का आंशिक रूप व्यक्त हो, यानी कि बात समाप्त ना हो, पूर्ण होते हुए भी पूर्ण होने की जानकारी ना हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है पदबंध। पदबंध में आता है कि शब्दों को, या जहां पर एक या दो शब्दों को जोड़ दिया जाए, वो कहलाते हैं पद। ठीक है, यहाँ पर कई पदों का जोड़ और यहाँ पर एक या दो शब्दों का जोड़, ये कहलाया हमारा पद। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट शब्द। अब हमारे पास वाक्य था राम। अब इस राम शब्द को हमने उस वाक्य में से निकाल लिया, राम व रावण। ठीक है, ये तो पद है। अब इसमें से खाली राम को निकाल लेते हैं, तो ये एक नाम है। ठीक है, तो जहां पर ध्वनि का जोड़ हो गया, वो कहलाया हमारा ध्वनि का जोड़, क्या कहलाया, शब्द कहलाया। अब हम इस राम शब्द के टुकड़े कर देते हैं, रे प्लस आ प्लस मैं प्लस ए। तो हमने देखा कि राम शब्द को खंडित करने पर उसका रूप कुछ इस तरह से निकल कर आ गया। इसमें रे और मैं व्यंजन है, आ और ए हमारे स्वर हैं। तो ये हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई, जिसे वर्ण कहते हैं, तो ये आ जाएगा भाषा की सबसे छोटी इकाई। देखिए, जब भी पूछा जाए कि भाषा की इकाई कितनी होती है, तो देखो इनकी गिनती नहीं आती। ठीक है, भाषा की इकाई आपके सामने लिखी है। सबसे बड़ी और पूर्ण व सार्थक इकाई कौन सी होती है, तो वो होता है वाक्य। ठीक है, जब पूछा जाए, जहां पर वाक्य समाप्त होने पर भी समाप्ति का बोध ना हो, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है उपवाक्य। जहां पर कई पदों का जोड़ कर दिया जाता है, वो कहलाता है पदबंध। जहां पर एक दो या तीन शब्दों को जोड़ दिया जाए, वो कहलाता है पद। और जहां पर ध्वनि का योग कर दिया जाए, वो कहलाती है भाषा की इकाई शब्द। और भाषा का सबसे छोटा व अखंडित रूप कहलाता है वर्ण, और वर्णों का व्यवस्थित समूह ही बन जाता है वर्णमाला। ठीक है, यहां तक कंफर्म है। अब इसमें से क्वेश्चन क्या बनते हैं, देखो पूर्ण सार्थक इकाई तो हो गई वाक्य, लेकिन जब भी कभी ये पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो आंसर आता है वर्ण। लेकिन जब ये पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई कौन सी है, तो भाषा की सबसे छोटी व सार्थक इकाई कौन सी आती है, शब्द। शब्द किस लिए, क्योंकि देखो जब हमने वर्ण के टुकड़े कर दिए, तो अब इन टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं बचता। अब ये टुकड़े बिल्कुल छोटे हो चुके हैं, अखंडित हो चुके हैं, उनका कोई रूप नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन जब अब हमने इन टुकड़ों को जोड़ दिया, तो एक नाम बन गया, जिसे हम कहते हैं राम। ठीक है, तो अब राम शब्द से हमें पता चलता है कि ये किसी का नाम है। तो जब चीजों को जोड़ दिया जाता है, वो शब्द का रूप ले लेती है, और इसे ही भाषा की छोटी व सार्थक इकाई का नाम दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, जिसे हम वर्णमाला कहते हैं, तो वर्णमाला के भेद हो जाते हैं दो। मैंने परिभाषा बता दी, वर्णों का व्यवस्थित समूह ही कहलाता है वर्णमाला, और इसके भेद हो जाते हैं दो। अच्छा, उससे चीज अलग एक और बता रही हूँ, कि ये जो वर्ण होता है, इसी को अक्षर भी कहते हैं और इसे ध्वनि भी कहते हैं। ठीक है, अक्षर और ध्वनि भी कहते हैं वर्ण को। जब अक्षर और ध्वनि में से पूछा जाए, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि वर्ण को ध्वनि कैसे कह दिया, या अक्षर इसे कैसे कह दिया, अक्षर तो शब्द को कहते हैं। देखिए, शब्द को अक्षर नहीं कहते। जब हमने रे के अंदर ए को जोड़ा, तो एक अक्षर बना र, बिना हलंत वाला। ठीक है, तो जब ये बिना हलंत वाला र बना है, तो यही कहलाता है अक्षर, और एक एक अक्षर जुड़कर बनाता है शब्द।
ठीक है। तो शब्द को अक्षर नहीं कहते, ध्वनि को ही अक्षर कहते हैं। ध्वनि छोटी छोटी भी होती है, टूट भी जाती है। अक्षर में स्वर और व्यंजन दोनों मिश्रित होते हैं, लेकिन होता वो भी वर्ण ही है, ठीक है। तो इन दोनों में से अगर पूछ लिया जाए कि लिखित रूप कौन सा है और मौखिक कौन सा है, तो जो अक्षर होता है ये लिखित रूप है और जो ध्वनि है ये मौखिक रूप है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे वर्ण के भेद। तो वर्ण के भेद हो जाते हैं दो। वर्ण के भेद कौन कौन से हो जाते हैं? एक हो जाता है स्वर और एक हो जाता है व्यंजन। वर्ण के दो भेद, एक स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर वे वर्ण जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, जिन्हें बोलने के लिए हमें किसी और की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वही होते हैं हमारे स्वर। और स्वर में कौन कौन से वर्ण होते हैं? ये ए, आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रीरी, फिर ए, आए, ओ और आओ, ठीक है। इसके अलावा जो हम पढ़ते हैं अंग से अंगूर और ये आहा, ये दो चीजें जब हम सारे स्वर पढ़ते हैं तो देखो आती उसी के अंदर है, लेकिन जब स्वरों की गणना की जाती है उस समय इन दोनों को बिल्कुल अलग रख देते हैं। अब इसमें से कैसे क्वेश्चन बनते हैं? तो देखिए पूछ लिया जाता है कि स्वरों की संख्या कितनी है। जब कभी ये पूछा जाए कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो संख्या आती है 11, ठीक है। स्वरों की संख्या कितनी आती है? 11। और वो 11 के 11 आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं। जब ये पूछा जाए कि देवनागरी लिपि के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, तो देवनागरी लिपि के आधार पर स्वरों की संख्या हो जाती है 13। और उस 13 के अंदर ये हमारा अंगा और अहा अर्थात अनुस्वार और विसर्ग, ये दोनों हमारे 13 में आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए कि पंडित कामता प्रसाद जी के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है, तो पंडित कामता प्रसाद जी के अनुसार स्वरों की संख्या हो जाती है जी 10। वो 10 कैसे हो जाती है? क्योंकि ये कहते हैं कि स्वरों की संख्या में जो ये री से ऋषि है ये नहीं आता। अब अगर ये यहां नहीं आता तो फिर ये कहाँ जाता है? तो ये कहते हैं कि री से ऋषि जो है ये यहां ना आके संस्कृत भाषा में प्रयोग होता है, इसीलिए वो इन 11 संख्या में से री से ऋषि को हटा देते हैं और उनके अनुसार स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है? 10 हो जाती है, ठीक है। तो जब कभी भी ये पूछा जाए कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो 11। और अगर पूछा जाए देवनागरी लिपि के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, तो 13। और पंडित कामता प्रसाद जी के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है, तो संख्या हो जाती है आपकी 10, क्योंकि उन्होंने री से ऋषि को स्वर नहीं माना, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं स्वरों के भेद। स्वरों के भेद कितने हो जाते हैं? तो अब स्वरों के भेद में हम पढ़ लेते हैं कि किस किस आधार पर स्वरों के भेदों के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं स्वरों के भेद। देखिए जी स्वरों के भेद में क्या आता है? सबसे पहले आता है हमारा एक शब्द है जिसका नाम है मात्रा। तो देखिए मात्रा की परिभाषा लिख लीजिएगा कि जो वर्णों का उच्चारण काल है, वर्णों का उच्चारण काल क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। तो इस मात्रा का मतलब वो नहीं है कि वर्णों के ऊपर आ की मात्रा, ई की मात्रा, अर्थात उनके समय से है। तो वर्णों का उच्चारण काल मात्रा कहलाता है और इस मात्रा के आधार पर ही स्वरों के हो जाते हैं दो भेद। एक हो जाता है हर्स्व और दूसरा हो जाता है दीर्घ। हर्स्व और दीर्घ, देखिए कहीं कहीं पर आप लोगों ने मात्रा के आधार पर इसके भेद को तीन पढ़ा होगा, तीसरे में पलुत स्वर। तो मैं आप लोगों को एक चीज बता देती हूँ कि पलुत स्वर होते हैं, लेकिन जब हम भेद पढ़ते हैं तो संस्कृत भाषा में मात्रा के आधार पर तीन भेद हो जाते हैं, जिसमें हर्स्व, दीर्घ और पलुत हो जाते हैं।
लेकिन यहाँ पर हिंदी भाषा के अंदर मात्रा के आधार पर दो ही भेद होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। प्लुत को हम पढ़ेंगे लेकिन वो भेद के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है? तो मात्रा के आधार पर ह्रस्व और दीर्घ दो भेद हो जाते हैं। ह्रस्व को लघु स्वर भी कहते हैं और इन्हें एकमात्रिक भी कहते हैं। एकमात्रिक किस लिए? क्योंकि इन्हें बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, ठीक है? और वो एक मात्रा कौन सी होती है कि इसे बोलने में लगा 1 सेकंड का समय। अब ये हमारे वर्ण कौन से होते हैं? तो इसमें आता है ए, आ, नहीं सॉरी, इसमें आते हैं हमारे ए, ई, उ और रीरी, ठीक है? इसके अंदर आ जाते हैं 4 वर्ण। नेक्स्ट आता है हमारा दीर्घ वर्ण। दीर्घ वे वर्ण जिन्हें बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है, तो इन वर्णों को हम संध्य स्वर भी कह देते हैं। कि ये कौन से हैं? संध्य स्वर, या फिर क्या कह देते हैं इन्हें? द्विमात्रिक, क्योंकि इन्हें बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है, ठीक है? और ये कौन कौन से वर्ण हो जाते हैं हमारे? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री से। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, फिर ए, आए, ओ, आओ, ये हो जाते हैं हमारे दीर्घ स्वर, ठीक है? और इन दीर्घ स्वरों के कितने हो जाते हैं? 2 भेद हो जाते हैं। दो भेद, और इसमें वो 2 भेद कौन कौन से? एक हो जाते हैं सजातीय स्वर और दूसरे हो जाते हैं विजातीय। अब सजातीय विजातीय क्यों कहा इन्हें? देखिए, हमने कहा कि इन्हें संधि स्वर भी कहते हैं। संधि स्वर अर्थात वे स्वर या वे वर्ण जो संधि में भी निर्मित होते हैं। तो इनमें कौन से वर्ण है जो संधि में होते हैं? तो देखिए, इसमें जो स्टार्टिंग के हैं, ये जो 3 वर्ण हैं, ये अपने ही जाति के वर्णों से अपना रूप बड़ा कर लेते हैं, बृहत कर लेते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? सजातीय स्वर, समान जाति के स्वरों से अपना निर्माण करने के कारण। लेकिन जो इसमें ये हमारे बाकी के बचे हुए 4 होते हैं, ये 4 वर्ण आ जाते हैं हमारे विजातीय स्वर में। और विजातीय में क्यों? क्योंकि देखो, गुण संधि में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ए के सामने जब ई आ जाता है तो एक नए वर्ण का निर्माण होता है, ए का, जिसकी एक मात्रा शब्दों के अंदर लगाई जाती है। तो क्योंकि यहां पर देखो, ए और ई में मेल हुआ लेकिन निर्मित क्या हुआ? ए। तो इसीलिए क्या कहते हैं इन्हें? विजातीय स्वर। तो सजातीय में हमारा आ जाता है आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, और विजातीय में आ जाता है ए, आए, ओ, आओ, ठीक है? तो हमने पढ़ा कि हमारे जो स्वर होते हैं उसके अंग कितने होते हैं, उसके भेद कितने होते हैं, और भेदों के आधार पर उसे किस तरह से वर्गीकृत किया गया है। देखिए, जितना चीजें यहाँ पे कराई हैं, कोशिश कीजिएगा कि उन्हें समझें और समझकर उनका आंसर दें, ठीक है? अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो चीज भी आप हमें यहाँ पे बता सकते हैं। अब हमने यहाँ पर स्वरों के भेद पढ़े हैं, बाकी की चीजें इसके बाद होंगी। जितना आज कराया है उसका अच्छे से रिवीजन कीजिएगा और चीजों को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, और जितना हो सके चीजों को करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? ओके, थैंक यू।